हेलो नमस्कार दोस्तों, गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जाते हैं कि शिव भगवान का विवाह किस तरह हुआ था। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने तपस्वियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर माता के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बरात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश ने अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश जी शंख कर्ण के कराक्ष विकृत विशाख विक्रतान दुंद कपाल कुंडक काकपोदाद्र मधुपिंग प्रमथ वीरभद्रादि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नदी क्षेत्रपाल भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी तीन नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले सिंह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पोती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी ने के भूतों प्रेतों पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी साकनी जतुधान वेतान ब्रह्मरक्ष आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप रंग आकार प्रकार चेष्टाएँ वेशभूषा हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर की था तो कोई बहुत से हाथ पैर वाला था। किसी के बहुत सी आँखें थी और किसी के पास एक भी आँख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन सब ने अपने अंगों से ताज़ा खून लगाया और रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत था पवित्र गणेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहाँ आई आ पहुँची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहाँ सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ों पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में एक मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों शनकाकाद ब्रह्मासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कोई आभूषण पहन अपने ऐरावत पर गज पर बैठ वहाँ पहुँचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहाँ आ गए थे। तुम्बरू नारद हाहा और पुहु आदि श्रेष्ठ गर्दव तथा किन्नर भी शिवाजी की बरात की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँच गए। उनके साथ ही एक सभी जग माताएँ देवकन्याएँ देवियाँ तथा पवित्र देवगन्ना भी वहाँ आ गई। इन सभी के वहाँ मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने सपुत्रिक जैसे उज्जवल सुंदर वर्ष पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली